तो गाइज़ अगर आप सभी लोग अपने फ़ोन के स्क्रीन में जब रिकॉर्डिंग करते हैं, यहाँ पे दोस्तों अगर आप सभी लोग अपने फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको इस तरीके से जो है नोटिफिकेशन पैनल पे यहाँ पे लिखा हुआ देखने को मिलता है, स्क्रीन रिकॉर्डर इज़ वर्किंग इन द बैकग्राउंड। तो इस तरीके से अगर आपको प्रॉब्लम आती है जब भी आप सभी लोग स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं तो इस वीडियो में गाइज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। तो चलिए गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको अपने फ़ोन में जो है सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैनेज एप्लीकेशन का ऑप्शन आता है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको सर्च बार पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखना है स्क्रीन रिकॉर्डर। तो इस तरीके से अगर आप जो है स्क्रीन रिकॉर्डर लिखेंगे तो आपके सामने ये जो एप्लीकेशन है वो आएगा, तो उसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रहा है नोटिफिकेशन का, उसको डिसेबल कर देनी है। और उसके बाद दोस्तों आपको जो है ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके फ़ोन के जो स्क्रीन है वहाँ पे आपको इस तरीके से जो है लिखा हुआ देखने को नहीं मिलेगा। इसको गाइज आप सभी लोग इसी तरीके से लॉन्ग प्रेस करके मोर सेटिंग पे क्लिक करके भी नोटिफिकेशन को जो है आप ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है गाइज अपने फ़ोन में सेटिंग कर लीजिए, जिसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।